मैं बिंदु बोरा, डॉक्टर नीरज बोरा जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं, उनकी पत्नी हूँ। मैम, जैसे जैसे कि चुनाव माहौल है, इसमें बोरा जी का क्या मुख्य एजेंडा है? बोरा जी का मुख्य एजेंडा तो जो लोगों की समस्याएं हैं, जनसाधारण की जो समस्याएं हैं, जिससे लोग त्रस्त हो चुके हैं, यहाँ पे जो फिजुल्लागंज वार्ड और सब जगह जो तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, सड़क पे नाली की और गंदगी की जो समस्याएं फैली हुई हैं, उनसे सबसे पहले वहाँ की पब्लिक को इन निजात सबसे दिलाना निजात दिलाना है। सबसे बड़ी समस्या जो लोकल समस्याएं हैं, जो लोगों की जन सामान्य की साधारण समस्याएं हैं, उनसे लोगों को निजात दिलाना है। मैम, जैसे हम कुछ क्षेत्रों में गए हैं जहाँ पर हमने देखा काफी गंदगी है, उन क्षेत्रों में आपकी भी टीम वगैरह गई होगी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा गंदगी है। सबसे पहले हमारे पास ही फिजुल्लागंज वार्ड है, वहां पर इतनी गंदगी, इतनी अव्यवस्था है, जिसकी वजह से लोगों में त्राही त्राही फैली हुई है। और अभी डेंगू फैला था, सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में डेंगू फैला हुआ था, और क्योंकि वहां पे इतनी गंदगी और नाली की समस्याएं हैं, और हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने कभी वहां पे ध्यान नहीं दिया है। जो भी हमारे लोकल पार्षद हैं वहां पर, वो जुझारू हैं, लेकिन उनका उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने नगर निगम की जो आय होती है उससे जो भी सहायता लेके वो लोकल पब्लिक की सहायता कर पाते हैं वो कर पाते हैं, लेकिन विधायक जी तरफ से कोई भी आश्वासन, कोई भी सहायता नहीं दी गई है। जैसे मैम कि आपने जिक्र किया डेंगू, पिछले साल एक महामारी का रूप उसने भी शुरू कर दिया और काफी शिकायतें आई, बल्कि कंट्रोल रूम भी बना, लेकिन क्या कारण रहा कि ज्यादातर फैजुल्लागंज और डालीगंज में ही इस तरह की बीमारियां हुई? इसलिए कि जो हमारे विधायक जी हैं वो गोमती नगर में रहते हैं, उन्हें लोगों की साधारण समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं है। अगर वो डालीगंज या फैजुल्लागंज में आएंगे तब उनको समझ में आएगी कि यहाँ लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्यों जनता में इस तरह त्राही फैली हुई, क्यों गंदगी है। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कोई काम किया ही नहीं है, जीतने के बाद वो कभी अपने क्षेत्र में आए नहीं है। वो गोमती नगर जैसी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, उन्हें जनता के दुख दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो कभी भी जनता के बीच में आए नहीं है, वहाँ की समस्याओं को सुना नहीं है, और वहाँ की समस्याओं का निस्तारण के लिए उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। वो सिर्फ एसी रूम में बैठ के और मुख्यमंत्री जी के साथ में खड़े होकर टीवी चैनलों पर आना उनका यही मुख्य ध्येय है। उनको कोई भी गरीब आदमियों की या कोई भी तरह की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। मैम, जब बात करते हैं फॉगिंग, फॉगिंग तो मैम नगर निगम के अंडर में आता है, तो माननीय मेयर साहब दिनेश शर्मा जी का कोई योगदान उन्होंने इसका उन्होंने कहाँ बहुत पर? प्रयास किया, और ये उन्हीं का प्रयास था जो एंटी लार्वा वो करवा सकते थे या जो भी तरह के, उन्होंने अपने लोकल पार्षदों की सहायता से इस तरह के छिड़काव भी किए। और जो स्वच्छ संस्थाएं थी, जैसे डॉक्टर नीरज बोरा ने खुद वहां पे बहुत सारे होम्योपैथिक कैंप लगाए और तरह तरह की सेवाएं वहां पर जाके करी, और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी उनके पास जितने भी स्रोत थे, जिस तरह से भी वो मैक्सिमम सहायता कर सकते थे, उन्होंने अपने पार्षदों के सहायता की सहयोग लेके और वहां पर पूरी सहायता करने का प्रयास किया। लेकिन जो विधायक का एक कर्तव्य होता है, उनके पास जितनी ताकत थी, उनके पास जितने आय के स्रोत थे, जितनी उनको केंद्र से भी जो भी मदद भेजी गई, उन्होंने उसका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया। और जो भी काम हमारे पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किया, उसके ऊपर जाके सिर्फ अपना पत्थर लगवाने का काम किया। मैम, 2014 में लोकसभा में एक बहुत बड़ा जनादेश बीजेपी को मिला, क्या आप मानती हैं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ चमत्कार है? हाँ।